मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं करता हूँ बारिश के साथ, और यहाँ झमाझम बारिश हो रही है, आपको दिखाता हूँ। बारिश का एंजॉय ले रहे हैं, रोशनी है, बारिश का कुछ नज़ारा इस प्रकार से। अब पानी भरा हुआ है, लाइट भी बंद हुई। अभी तक मैं सोई हुई हूँ, अभी उठी भी नहीं इस तरह से, बारिश इतनी तेज आ रही है, मतलब मन ही नहीं कर रहा उठने का। और ये भी सुबह गए थे अपने एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए, फिर वापस आए तो इन्होंने ब्लॉग की स्टार्टिंग की होगी, मैंने देखा इन्होंने ब्लॉग बना रखा है, तो उसके बाद ये भी सो गए और हम दोनों को जाना है आज हॉस्पिटल। तो मैंने सोचा बारिश अभी रुकेगी तभी रुकेगी, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश है ना, तो थोड़ा बारिश थम जाएगी तो फिर हम दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल लेंगे। थोड़ा उठते हैं, अभी हमने चाय वगैरह भी नहीं पी, और टाइम देखना 8:30 हो गया। उठा यार बुढ़ा, उठो उठो, ये तो उठ भी जाते हैं चड़म। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बारिश ऐसे आ रही होती है ना। तेरा कपड़ा कब है दरी भीतर बस कहाँ से पहले बाहर का मौसम देखते हैं। कितना अच्छा लग रहा है बाहर। वाह, मेरे सारे पौधे भीगे, पहले मैं अपने चप्पल पहन के यार। ये चप्पल मैंने बाथरूम के लिए रख लिया, पूछ कर देना। मेरे पौधे देखना, वाह। अब मेरे पति देखना सारे कपड़े, वो जो बाहर में कल दिखा रही थी ना, जो अमलटा हो रखे थे, मतलब जो आधे सूखे हो रखे थे, वो डाल दिए, थोड़े झुक झुके तो है। और कुछ कपड़े मैंने यहाँ पे भी डाले थे, वो भी मेरे पति देव ने डाल दिए। भाई यहाँ मतलब इतने टाइम से अब ऐसी बारिश हो रही है, एकदम झमाझम वाली बारिश अब हो रही है, वरना यहाँ इतनी बारिश कभी नहीं हुई कि सुबह से बारिश लगी है और अभी तक, मतलब सुबह 5 बजे से बारिश लगी हुई है और अभी मतलब 8-9 बज गए, तो 8-9 बजे तक बारिश हो ही रही है। ऐसा तो देहरादून में होता था कि रात भर बारिश लगी है, सुबह भी बारिश लगी है, मुझे ऐसी वाली बारिश बहुत अच्छी लगती है जो पूरे पूरे दिन रहे। वैसे तो थोड़ी देर बारिश होती थी फिर बंद हो जाती, थोड़ी देर बारिश होती थी फिर बंद हो जाती, अब ठीक है, अच्छा लग रहा है। चलो अब जरा अब ब्रश पर कॉल कर देता प्लीज। खुद ही ले लेती हूँ। तो दोस्तों फाइनली मोटो हो रहे हैं तैयार, कोलगेट वगैरह। तो दोस्तों अब मैं जाता हूँ चाय बनाने, जब तक मोटो तैयार वगैरह होते हैं, क्योंकि हमें हॉस्पिटल निकलना है तो वो लेट हो जाएगा। और आज मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, कैसे लग रहा है आप लोगों को बताना कमेंट करके जरूर। पति देव आदि चाय बना के भाग गए, उधर तो सेमिया बनाते जरा यार, ये बिना नहीं जान के तुमसे कहा कि ना, इन्हें हर जगह मैं चाहिए बस। चाय वगैरह तो बन गई हमारी, बस अब
हम खाएंगे चिप्स चाय के साथ। चिप्स खा रहे हम, काफी टाइम से पड़े हुए हो, चिप्स कोई खा ही नहीं रहा उन्होंने। मैंने कहा लाओ यार अभी खाते हैं। और क्या कहते हैं, और नाश्ता बनाएंगे हम थोड़ी देर में, थोड़ी देर में टाइम भी ना। तो मतलब नमकीन रोटी बनाएंगे ना, फटाफट नमकीन रोटी बनाएंगे और वही खाएंगे जल्दी जल्दी चाय के साथ। तो ये खाएंगे और उसके बाद थोड़ा नमकीन रोटी बनाएंगे, वो खाएंगे, हॉस्पिटल चले जाएंगे। और आज हॉस्पिटल का वीडियो मतलब जाते हुए तो नहीं बना पाऊंगी क्योंकि रास्ते में इतना पानी पानी खींच खींच खींच, मुझे तो बिल्कुल अजीब सा लगता है। तो मैंने सोचा छोड़, तो आज सीधा घर का ही दिखेगा आपको जो भी दिखेगा, ठीक है। फिलहाल आप लोग चाय का इंजॉय लीजिए मेरे साथ। जरा सा गिच फूके गया था मेरा, कितनी टेस्टी चाय बनाई मैंने। देखने लग गए हॉस्पिटल के कागज वगैरह हमारे। अपनी चाय खत्म करके मेरी चाय पे लग गया है सड़क सड़क है सबूत। अभी भी है इन्होंने सबूत। मैं जैसे कैमरा खोली था वैसे इन्होंने चप नीचे रख दिया, वैसे ही इन्होंने नीचे रख दिया। अब कुरकुरे लाए ना, तो मैं अपने फोन में ऐसे देख रही थी कुछ, तो यही दे रहे थे मुझे। मैंने उसमें हाथ भी नहीं डाला, वो पूरे हाथ पे फिर साइड साइड लग जाता, वो जैसे उनके लगा। अब इतना सारा खा लिया और अब उसमें बचा ही नहीं, मुझे ज्यादा ज्यादा 5-10 पीस दिए। 10 रुपए वाला तो खाओ, ये नहीं देखो 10 रुपए वाला, 10 रुपए वाला नहीं है ये 20 रुपए वाला था। तो 20 आजकल कितना था, आजकल 30 वाला तो खूब होता था, बड़ा वाला। ऐसे है ना खाने के लिए चटपट चटपट नहीं बगी जी, सबल सबल कुछ भी ना। आगे लाज में पता ही नहीं चलन के कागा चीज दिख जाए, हर हाल में रोल दिया नहीं काफी वाला खत्म होएगा। अब जगह ना लो खोल खा ला लो, तब चढ़ना इरादा। चलो यार हम जाते हैं, फटाफट अपना काम मिला लो कि बनो ला ना, वही बनाएंगे जल्दी जल्दी निकलते हैं। अब आपको सीधा मैं बाद में घर आके मिलूंगी, अभी मेरा व्लॉग बनाऊंगी तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, फिर ये भी चिंगाते हैं, इससे अच्छा बाद में मिलूंगी आपको, ठीक है। छोटी छोटी लड़कियां मेरी दोस्त बनी थी ना, हम अभी आ रहे हैं हॉस्पिटल से और टाइम हो गया है, 2 बज गए हैं। तो अभी मैं अंदर ही बैठी थी तो ये गए दरवाजे पे, बेल बजी हमारी, तो वो छोटी छोटी लड़की आई, उनमें से जो थोड़ी हल्के से सामने थी वो आई, देखना मेरे लिए चॉकलेट और टॉफी लेके आई। दीदी को बोलना मेरा बर्थडे है, और इन्हें बोल रहे कि भैया आप मत खाना, दीदी को ही देना चॉकलेट टॉफी। हाय फिर, हाँ आधा हैप्पी बर्थडे बेटा। हाँ वो तो कहीं देखेंगे मेरे ब्लॉग पर, है ना, कितना अच्छा लगता है। मैं अंदर थी बाथरूम में जा रही थी ना, ये गए गेट खोलने के लिए, इन्होंने देखा टॉफी ला रही है कितनी सारी, फिर अच्छा लगता है। मतलब उन बच्चों से क्या ये है ना, पर एक प्यार प्यार वाला जो रिश्ता होता है ना, वो बॉन्ड बन जाता है उन लोगों के साथ ही। चॉकलेट भी ला रही है। बीच में एक दिन और आए थे हमारे घर, तो फिर वो दो ही लड़के आई थी, एक जिसके बाल थोड़े ऐसे हिप से है वो आई थी, और एक दूसरी आई थी जिसके बाल भी कर ली थे, दो के कर ली थे, जो बड़ी वाली थी वो आई थी। तो दोनों आए थे, तब मेरे साथ बैठ के काफ़ी सारी बातें की, अपने भूतों के बारे में बता रही थी, दीदी आपको डर लगता है भूत होते ये वो। मैंने कहा नहीं मुझे कुछ डर नहीं लगता, मैंने कहा भूत वगैरह कुछ नहीं होता, दीदी होते हैं, हम जब घर में रहते हैं ना तो हम, मुझे सपने हुए, मैं नींद में चल रही थी ये वो, तो अपनी सारी बातें बता रही थी, इतना अच्छा लग रहा था मुझे उनके साथ, मतलब हंसी भी आ रही थी। कहते मेरे पे चिपक रही थी, हमें डर लग रहा है ऐसे ऐसे देख रहे। और फिर थोड़ी देर में चले गए थे, फिर उन्हें पता था फ्रिज में चॉकलेट है, तो बोले दीदी ना वो हमें ना चॉकलेट खाना था, फिर मैंने उन्हें फ्रिज से थोड़ी थोड़ी चॉकलेट दी, फिर वो चले गए थे। फिर कि दीदी हम कल आएंगे, मैंने कहा ठीक है, और आज हम हॉस्पिटल जा रहे थे तो देख मेरे लिए चॉकलेट और टॉफी लेके, क्या बोले तो आपको कोई बात नहीं, फिर तो आना ही है, उन्होंने तब आते जाते रहेंगे, है ना, कोई बात नहीं। तो ये हमारा बन चुका है दिन का लंच, और आइए आप लोग भी कर लीजिए हमारे साथ लंच। ये हमने रात में कद्दू की सब्जी बनाई थी, तो ये बची हुई थी, तो इसको भी खाएंगे थोड़ा थोड़ा। और आ जाइए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप लोग भी खाइए हमारे साथ खाना, आपके लिए भी रख दूँ। स्वामी जी पतिदेव जी बोलिए कुछ प्लीज, आपने इस शुभवाणी से कुछ ना कुछ बोलते रहिए, वो खा के पता चलेगा।
खा के पता नहीं, मैंने कहा था आपके लिए रख दूं यहाँ पे, तो आइए दोस्तों आप लोग भी खाने के लिए। मतलब वो कद्दू की सब्जी, थोड़ी सलाद दे दो मुझे। हाँ माँ खाया क्या? तो चलो दोस्तों खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपको, ठीक है? आइए सबसे पहले मैं अपने व्यूवर्स को दे देती हूँ, है ना, खाइए। बहुत टेस्टी। मेरे हाथ में जादू है। लो व्यूवर्स आपके लिए संतोषी के बर्थडे का। संतोषी उस छुटकी का नाम संतोषी है। लो आप करो। इन्होंने अपने आप पे कैमरा लगाया, दिख रही है? मैं भी बाहर गई थी मतलब बाथरूम में, तो मैंने ये बड़े वाले चप्पल जो है हमारे, दो जोड़ी चप्पल रखे, एक मेरे छोटे वाले जो पिंक कलर वाले जो मेरे पे टाइट होते हैं वो वाले, और एक दूसरे ब्लैक वाले। तो तभी मेरे पतिदेव भी आया, मैं चप्पल लेके वापस ही आई थी, ये ब्लैक वाले मैंने पहन रखे थे। तो मेरे पतिदेव ने बोला चप्पल दो, मैंने कहा मेरे पिंक वाले पहन लो। मैंने उन्हें पहले भी बोला था अंदर पहन लिया करो ताकि तुम्हारे पैरों से जरा चौड़े हो जाए, मेरे पैरों में आते ही नहीं। तो पहन के जा रहे थे, अभी जब वो वापस आएंगे ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि उनके पैरों में कैसे आ रहे हो। कैसे गए उन चप्पलों से, देखना आ गए चप्पल, देखना वाह कितने सुंदर लग रहे। कैसा लगा आपको मेरा चप्पल पहन के? आप उन्हें ही पहना, जब आप जाओगे आओगे ना उन्हें ही पहना ताकि वो जरा ढीले हो जाए, क्या बोलते हो? और मुझे भी लगेगा कि मैंने 200 रुपए खर्च किया तो चल कहीं तो काम आया। सही है कि नहीं है दोस्तों? ऐसे वेस्ट जाएंगे फिर मेरे को गंदा लगेगा, और मेरे को इतना सुंदर लग रहे हैं ना वो दिखने में, पर मेरे पैर ना आगे से थोड़े चौड़े हैं तो इस वजह से मेरे पैर में ऐसे चप्पल टाइट ही होते, तभी मैं वही वाले पहनती हूँ अंगूठे वाले। बस तोल तुम और खुटोल, बस तोल देखे कैसे बोल रहे, बस तोल। जब उनके माँ के पैर छोटे थे तब बोलते थे कि माँ तेर इतनी खुटी बल, तेर इतनी खुटी, कि अपनी माँ को बोलते तेरी इतनी से पैर है कि। तो सासू माँ ने बोला होगा एक बार कि रुक जा तेरी बारी के देखूंगा मैं कितने बड़े पैर होंगे, तेरी बारी के तो और ज्यादा छोटे होंगे। और सच में मेरे पे 4 नंबर आता है। और अब जैसे ना अब सासू माँ बोलती है, अब बोल तेरी बारी के पैर, अब नहीं बोलता तो कि माँ तेरे पैर इतने। तो ये चीजें है ना। आप समा के अंदर क्यों भागे, सच्चाई से भाग रहे थे आप? सब रात के बज चुके हैं, कति बजे? 10 बज चुके हैं, 10 बज रहे, 10 बज गए। मैं ऐसे फोन चला रही थी और मेरे पति दे वॉशरूम गए होंगे और सट से आज सुनू, मैंने कहा क्या हुआ कि बाहर देखना वॉशरूम में देखना, मैंने कहा क्या हुआ, मैंने सोचा सांप सोप आ गया कि देखना, तो चलो देखते हैं क्या आया, कहीं सांप तो नहीं आया। हाँ मेरे को चल के देखते हैं, मेरे पति के उल्टे काम रहते हैं सच में, आधी रात में चैन नहीं। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं मेरे चप्पल क्या हुआ क्या। हाँ कितना सारा टूट रखा है तो अचानक भला को ये महागणा को बैठ रहा हूँ तो मोर जाऊंगा यार। भाई साहब ये तो गलत है यार, भाई काखी नहीं ले जान मैं वॉशरूम में मोबाइल कुछ भी, मतलब करो क्या करो मैं तो हूं बैठा हूं पड़ोने, तो ये लॉक हो जाने यार मार छ कैसे रुड़ो, ज्यादा बार खाना आज तक हुए कुछ से झड़ दो। ओहो